हाय दोस्तों, मैं आपको मिलाने वाला हूँ सीए फाइनल के 35th रैंकर गौरव मित्तल से। गौरव ने सीए फाइनल में 430 मार्क्स स्कोर करे हैं। गौरव, कैसा लगा आपको जब ये रिजल्ट आया? सर, बहुत ही अच्छा लगा देख के, पूरी फैमिली की खुशी देख के, अपने मम्मी पापा की खुशी देख के मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ कि मैं उनके लिए कुछ कर पाया। बहुत ही अच्छा लगा सर मुझे। ये बताओ कि तुम्हें एक्सपेक्टेशन था क्या रैंक आएगी? सर एक्सपेक्टेशन था, लेकिन ये था कि 40 से 50 के बीच में आएगी मेरी रैंक, लेकिन रिजल्ट अच्छा रहा और मैं 35th रैंक आई है सर। और तुमने सीए फाइनल की जो क्लासेज है वो तो तुमने सेल्फ ही कराया, मतलब सीए फाइनल का पूरा आपने खुद ने किया है। वीएसआई से आपने जो वीएसआई विक्टी मेंटरशिप प्रोग्राम है, यानी मॉक टेस्ट से जो गाइडेंस वाला प्रोग्राम आपने लिया हुआ है, तो मतलब खुद ने जो आपने स्टडी करी तो कैसे कैसे पढ़ते थे आप? पहले तो बुक्स कौन सी काम में ली आपने? सर मैं जनरली तो वैसे स्टडी मैट ही काम में लेता था, स्टडी मैट को पूरा थ्रू आउट करता था, स्टडी मैट के बैक क्वेश्चंस पूरे कवर करता था, और साथ में रेफरेंस के लिए पास्ट ईयर के क्वेश्चंस एमटीपी आरटीपी और जो इंस्टीट्यूट के जो सजेस्टेड वगैरह होते थे उनको रेफर करता था मैं। उसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया। तो ये मैटर जो आप पढ़ते थे उसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आती थी ज्यादा? नहीं सर, बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। अगर कोई दिक्कत आती भी थी तो आरसी सर और उनकी फैकल्टीज बीएसआई की वो हमेशा सपोर्ट के लिए रहती थी, और रियल टाइम बेसिस पे मेरे सारे डाउट वो उन्होंने सॉल्व किए हैं। तो एक चीज बताओ, जब आपका जो कोर्स कितने टाइम पहले हो गया था एग्जाम के? एग्जाम से सर अगर मैं फर्स्ट रिविजन की बात करूँ तो मैंने जैसे दिसंबर में चालू किया था मेरा पहला रिविजन, तो मेरा अराउंड 15th of January 20th January मेरा पहला रिवीजन खत्म हो गया था, और दूसरा रिवीजन मेरा लगभग 20 फरवरी को मेरा दूसरा रिवीजन हो गया था, और मार्च एंड में मेरा तीसरा रिवीजन पूरा हो गया था, और अप्रैल के अंदर मैंने दो रिवीजन कर दिए थे। तो मतलब 5-6 बार रिवीजन हो गया, और रिवीजन का इफेक्ट ये है कि मतलब रैंक पे पहुंच गए। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। आप ये बताओ कि बच्चे मार्केट में इतने कंफ्यूज हैं कि सीए बनने तक चार चार फैकल्टी में क्लासेस ले लेते हैं एक एक सब्जेक्ट की, आपने बिना किसी सब्जेक्ट फैकल्टी की हेल्प के आपने पढ़ाई करी है, तो ऐसा क्यों किया आपने? मतलब आपने क्लासेस क्यों नहीं ली? सर क्लासेस नहीं लेने के पीछे रीजन ये था कि स्टडी जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा सफिशियंट है, बाकी जो टीचर्स होंगे वो अपना इनपुट देते हैं और इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज को या फिर जो मैटर है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो चीज मुझे समझ में आ गई थी मेरे इंटर और फाउंडेशन के रिजल्ट के बेसिस पे, इसलिए मैंने फाइनल में डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी की भी क्लासेस नहीं लूंगा, मैं केवल इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही अपनी पढ़ाई करूंगा, और उसका रिजल्ट रहा है कि मेरी ऑलरेडी 35 आई है। मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं। बच्चा चाहे तो सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, उसको किसी टीचर पे या कोचिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, बस एक डिटरमिनेशन की जरूरत है कि यार हम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो चीज इजीली हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, आपने जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहोगे? देखो, दो तीन मामलों में कंफ्यूज रहते हैं वो। एक तो वो चाहते हैं कि आईसीएआई मैटर पढ़ने के बजाय हम तो जो मार्केट में जो बुक्स चल रही है, शॉर्ट नोट्स चल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक चल रहे हैं, उसको पढ़ें, तो उसके बारे में क्या ओपिनियन है? नहीं सर, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप आईसीएआई मैटर को ही रेफर करें। ये जो कंसाइज नोट्स चल रहे हैं, समरी नोट्स, चार्ट्स वगैरह हैं, उनका कोई यूज नहीं है। आईसीएआई का पेपर अपनी स्टडी मैट से ही बनता है, उसी को रेफर करें और कंसिस्टेंसी रखें। आप हो सकता है कि दो दिन आप बहुत पढ़ रहे हैं और एक दिन आप पढ़ ही नहीं रहे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है और उसी से ही रिजल्ट आता है। तो आपको कंसिस्टेंसी रखोगे तो गारंटीड आपका रिजल्ट आएगा। तो मतलब आईसीआई की बुक पढ़नी चाहिए, बाकी मैटर्स पे फोकस रखने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और इसके अलावा क्या गाइडेंस देना चाहोगे? इसके अलावा सर यही गाइडेंस है कि 5-6 महीने जो आपको मिलते हैं एग्जाम से पहले, आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस साइड में रख देने चाहिए। मेन तो सोशल मीडिया, ऐसे मैंने भी अपना जितने भी सोशल मीडिया थे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब बंद कर दिया था, और अभी भी मैंने चालू नहीं किया है, तो उनको साइड में रखूंगा तो आपका ऑटोमेटिकली आपकी कंसिस्टेंसी आएगी और आपका अपने आप पढ़ाई पे कमांड बनेगी और अपने आप पढ़ने की इच्छा करेगी। तो और एग्जाम से पहले कितने महीने का रिविजन की रिक्वायरमेंट है कम से कम, जो आपको फील हो रही है कितना महीने का रिविजन तो कम से कम होना ही चाहिए? सर फॉर बींग पास 3 से 4 महीने बहुत है, अच्छे नंबरों से अगर पास होना है तो रैंक के लिए 1 महीना आप और मांग लीजिए। तो 5-6 महीने स्टडी करके रैंक लाई जा सकती है? मतलब कुल मिला के पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, कोई शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू गौरव। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा किया कि सेल्फ स्टडी करके आप ऑल इंडिया रैंक लाए हो। आप बाकी बच्चों के लिए एक मोटिवेटर बन सकते हो कि भाई आप ये इतने घूमो फिरो मत, परेशान मत हो कि एक एक सब्जेक्ट की 5-5 घंटे की 4-4 घंटे क्लास अवेलेबल है, उसमें पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है और उसके बाद में मतलब अल्टीमेटली आउटपुट कुछ निकलता नहीं है। टू द पॉइंट पढ़ो और अच्छा रिजल्ट लेके आओ। बिल्कुल। Thank you. Thank you.